और अब यूपी लाइव में आगे बढ़ते हुए यूपी की खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि यूपी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैं बिजनौर में। संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। अमरोहा भी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिम के कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश बीजेपी पार्टी की तरफ से जारी है और इसी क्रम में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। तो पश्चिमांचल को साधने की पूरी कोशिश लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से की जा रही है। जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तमाम स्टार प्रचारक अब चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में ताल ठोका जा रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। अमरोहा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही प्रदीप हमारे साथ अमरोहा से और बिजनौर से दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरोहा का रुख करेंगे। दानिश आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले सीधे अमरोहा का रुख करते हुए, अमरोहा में किस तरह की अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही तैयारियां कितनी जोरों पर हैं, प्रदीप जानकारी दीजिए आप दर्शकों को। लेकर भाजपा जो है अपना पूरा दमखम दिखा रही है और आज यहाँ पर करीब 2 बजे जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक भी हैं जेपी नड्डा पहुंचेंगे और भाजपा के पूर्व सांसद कंवर सिंह तमर के फार्म हाउस पहुंचेंगे और वो बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विस्तारक विधानसभा प्रभारी के साथ जो बैठक चर्चा करेंगे और चुनावी उन्हें जीत का मंत्र देंगे। और वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो है किसी हर हाल में जो है हर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ से भाजपा को जिता कर भेजे। ठीक है दानिश, बिजनौर में क्या कुछ कार्यक्रम होगा जेपी नड्डा का? आज 1 बजे जो है जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ बिजनौर में आएंगे और आकर अपने उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद करेंगे, जो कि बिजनौर में कहीं ऐसा माना जा रहा है कि एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। जी दीप्ति बिल्कुल। और प्रदीप, जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो हैं चुनावी रण में नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर हम जिक्र करें तो अमरोहा में जो चुनावी बयार है वो किस तरह से बहती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अमरोहा में चुनावी जो लहर है इस समय सीधी सीधी भाजपा का जो प्रचार है, भाजपा काफी अपना दमखम दिखा रही है और कहीं ना कहीं उसे जो है इस चीज का फायदा ही मिला है जो दमखम भाजपा दिखा रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं और आज जो है परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी यहाँ अमरोहा में ही मौजूद रहेंगे, तो इसलिए यहाँ जो चुनावी सभा है, चुनावी चर्चाएं चल रही है, चुनावी बहुत चल रहे हैं, इस समय भाजपा जो है काफी दमखम दिखा रही है। भाजपा हर हाल में, भाजपा चाहती है कि कुछ भी हो कैसे भी हो हर हाल में एक अपना बूथ मजबूत कर रही है और बूथ हर बूथ जो है भाजपा जीतना चाहती है। बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार चुनावी प्रचार में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक नजर आ रहे हैं दानिश, अगर हम जिक्र करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस बार काफी ज्यादा चुनौती इसलिए है क्योंकि रोड शो नहीं कर सकते हैं और भीड़ भाड़ के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते हैं, तो डोर टू डोर कैंपेन करना होगा और उसके साथ ही डिजिटली चुनाव प्रचार करना होगा। इसलिए बिजनौर में किस तरह की चुनावी बयार दिखाई दे रही है? देखिए जी बिल्कुल, ये जो प्रक्रिया है डोर टू डोर की वो लगातार चल रही है हर पार्टी और हर प्रत्याशी की तरफ से। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में बिजनौर सदर सीट पे जो है एक बीजेपी और गठबंधन की यहाँ पर सीधी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, इसलिए ज्यादातर स्टार प्रचारकों का रुख जो है वो बिजनौर पर है और बिजनौर में जरूर कुछ ना कुछ संजीवनी देने का उनकी कोशिश चल रही है। जी दीप्ति चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे अमरोहा और बिजनौर और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको जीत का मंत्र देंगे, चुनावी मंत्र देंगे ताकि बढ़ चढ़कर यहां पर चुनाव प्रचार किया जा सके।